देखिए अपनी पत्नी को किस तरह का सम्मान दिया पवन सिंह ने। जी हाँ, पवन सिंह की पत्नी पूजा में भले उनके साथ नहीं बैठी थी, लेकिन पूजा संपन्न होने के बाद पत्नी को उन्होंने बड़े प्यार से हार पहनाया और पत्नी को सभी के सामने गले से भी लगाया। जी हाँ, आपको बता दें पवन सिंह के मुंबई वाले घर पर आज रुद्राभिषेक की पूजा थी, जिस पूजा में पवन सिंह ने पूरे विधि विधान से इस पूजा में पार्ट लिया और उनके सारे परिवार के सदस्य मौजूद थे, रिश्तेदार मौजूद थे, लेकिन पत्नी ज्योति सिंह उनसे दूर बैठी हुई थी। सोशल मीडिया पर यही बहस छिड़ गई है कि क्यों पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह उनसे दूर बैठी थी, बल्कि रुद्राभिषेक की पूजा तो पति पत्नी द्वारा पूरी की जाती है। वैसे कहा जाता है कि शादी के बाद पति हो या पत्नी, वो अकेले कोई भी पूजा नहीं कर सकता अपने पार्टनर के बगैर। तो आपको यहाँ ये बता दे कि पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह की तबीयत ठीक न होने के कारण ज्योति सिंह उस पूजा में नहीं बैठ पाई। आप सभी को पता होगा कि रुद्राभिषेक की पूजा करते वक्त कितना समय जाता है, पूरी विधि विधान से पूजा करने में काफी वक्त लगता है, लेकिन पवन सिंह की पत्नी की तबीयत ठीक न होने के कारण वो उनसे थोड़ी दूरी पर बैठी रही, लेकिन वो पूजा में मौजूद थी। जैसे ही पूजा संपन्न हुई, पवन सिंह ने अपनी पत्नी को बड़े प्यार से फूलों की माला उनके गले में डाली और कहा ये इनका सम्मान है। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए।